वेलकम बैक गाइस। पोकेमॉन एनिमे के अंदर हमने बहुत सारी पोके गर्ल्स ऐसी देखी हैं जो कि ऐश को बहुत पसंद करती हैं, लेकिन ऐश इनमें से यार किसको पसंद करता है, ऐश का भाई ट्रू लव कौन है, आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे। यानी कि हम देखेंगे जितनी भी सारी पोके गर्ल्स हैं उनमें से ऐश की जोड़ी सबसे ज़्यादा बेस्ट किसके साथ में है, ऐश किसको सबसे ज़्यादा पसंद करता है। ये अकेला नहीं हूं मैं आज की वीडियो में, इसमें मेरे साथ फैंसी पोके स्टार भी है, तो ये कोलैब वीडियो होने वाली है, इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। तुम एंड तक ज़रूर बने रहना और एंड में अपना ओपिनियन ज़रूर देना तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सा कपल सबसे बेस्ट है पोकेमॉन में। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं आयरस के साथ में। ये यूनोवर्स जन की पोके गर्ल है और यूनोवर्स जन की अभी करंट चैंपियन भी है। यार आयरस और ऐश ना बिल्कुल एक जैसे थे, मतलब दोनों को ही किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, बस बैटल में इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा, और दोनों ही भाई सबसे ग्रेटेस्ट ट्रेनर बनना चाहते थे। तो यार आयरस और ऐश की जो फ्रेंडशिप हमने देखी थी यूनोवा के अंदर बहुत ही ज्यादा सही थी, जहां पे इन दोनों का हमेशा ही कुछ ना कुछ बात पर झगड़ा होता रहता था और आयरस ऐश को बहुत ज्यादा चिढ़ाती रहती थी। अब यार देखो, आयरस को कभी भी ऐश पे कुछ क्रश वगैरह रहा नहीं है और ना ही ऐश को आयरस पे रहा है, तो इनकी बस ऐसे फ्रेंडशिप थी, बाकी कुछ भी नहीं था। तो हाँ, आयरस डेफिनेटली ऐश का ट्रू लव नहीं हो सकती। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं ऐश और मे। इन दोनों की जो फ्रेंडशिप हमने होएन के अंदर देखी है वो भी यार बहुत ही ज़्यादा सही है। एक एपिसोड के अंदर तो ऐसा होता है कि यार एक कपल इन दोनों को कपल समझ लेता है, यानी कि वो लोग बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम और मे जो है काफ़ी अच्छे कपल है, लेकिन ऑब्वियसली दोनों ही डिनाई कर देते हैं और बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। और यार एक्चुअली में ऐसा ही है, मतलब इन दोनों की हमने फ्रेंडशिप ज़्यादा देखी है, ऐसा नहीं था कि मे को ऐश पे क्रश हो और ऐश को मे पे क्रश हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। उल्टा मे यार ज़्यादा ड्रू को पसंद करती थी, और हमने इनके साथ में बहुत सारे मूवमेंट्स भी देखे हैं और हमको पूरा पूरा ऐसा ही दिखाया जाता था कि यार मे और ड्रू इन दोनों का कपल जो है वो ज्यादा बढ़िया है साथ में, और ऐश और मे के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हाँ, कह सकते हैं इस वाले में भी कुछ नहीं है ऐसा। सो गाइस, स्टार्ट करें हमारे सबसे पहले पोके गर्ल की, तो वो है मिस्टी। तो मिस्टी और ऐश का जो कपल है वो काइंड ऑफ काफ़ी फैन फेवरेट भी रहा है और काफ़ी फेमस भी रहा है। और मिस्टी और जो ऐश का जो कपल था उनके बहुत सारे प्यारे प्यारे मोमेंट्स भी एनिमे के अंदर थे और वो बहुत प्यारे थे और फैन फेवरेट, मतलब फैंस को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो भाई काइंड ऑफ जैसे स्टार्टिंग में बात करें तो मिस्टी और ऐश की बिल्कुल नहीं बनती थी, वो बहुत ज़्यादा फाइट करते थे। और पहली बात कि मिस्टी तो भाई एकदम बुरा बिहेवियर करती थी, नकचिड़ी थी बहुत, बट जैसे जैसे ऐश के साथ उसने ट्रैवल किया उसका प्यार उभर आया भाई, और ऐश और इसका बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा प्यारा हो गया। फिर बात करें इसके मोमेंट्स की, तो भाई सबसे पहला मोमेंट है कि ऐश को जब फीवर आया था एनिमे के अंदर तो फिर पूरा ख्याल रखा था, अच्छे से सेवा की थी भाई मिस्टी ने बहुत ही प्यारे तरीके से, और वो फैंस को बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था। फिर दूसरी बात करें तो भाई जब झोटो रीजन में एक गर्ल थी जो पोकेमॉन लीग के अंदर मिली थी, तो जब वो ऐश से मतलब फ्लर्ट करती थी तो भाई मिस्टी को इतना जेलस फील होता था कि भाई वो बहुत गुस्सा होती थी, उसका फेस देखने लायक था। और गाइज आपको लुगिया वाली मूवी तो याद ही रहेगी कि जिसके अंदर जब स्टार्टिंग में वो जब टापू के अंदर एंटर किया था तब एक लड़की ने उसको किस किया था, तब मिस्टी बहुत ज़्यादा जेलस फील किया था और उसका फेस भी देखने लायक था। फिर भाई जब ऐश और मिस्टी एक दूसरे को छोड़ने वाले थे, मतलब लास्ट एपिसोड, तो जब ऐश ने कहा था भाई तुम्हारी साइकिल ठीक हो गई अब तो तुम बहुत ज़्यादा खुश होगी कि भाई अब तुम मेरे को छोड़ के जा सकती हो, तब मिस्टी बिल्कुल ज़्यादा खुश नहीं थी, वो काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा दुखी थी और वो बताना चाहती थी ऐश को कि भाई वो बिल्कुल छोड़ के जाना नहीं चाहती, बट भाई अब एंड में फिर गई भी थी और साथ में गिफ्ट भी बहुत प्यारा देके भी गई थी। और सबसे प्यारा ऐश और मिस्टी का एक मोमेंट था जिसमें मिस्टी ने बोला था कि भाई एक दिन तुम और मैं भी इस तरह शादी करेंगे, ये मोमेंट बहुत ज़्यादा प्यारा था। मिस्टी और ऐश दोनों शौक थे उस टाइम, बट ये मोमेंट बहुत ज़्यादा प्यारा था। यहाँ तो हमने सिर्फ मिस्टी की तरफ से बताया था कि यहाँ मिस्टी की तरफ से लव है, बट ऐश की तरफ से भी लव था। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है जब मिस्टी के सामने ऐश को किस किया था वो गर्ल ने जो लुगिया वाली मूवी के अंदर, तो मिस्टी कैसा जेलस फील कर रही थी, ऐश उसको और ज़्यादा जेलस फील करवा रहा था बार बार उसका नाम लेके। और फिर मिस्टी ने एक गिफ्ट दिया था ऐश को, एक चारा दिया था, मतलब मिस्टी के फेस वाला उसके डिज़ाइन वाला एक चारा दिया था जो सिनो के अंदर उसका रेफरेंस दिया था, और जब डॉन ने उससे मांगा था बट ऐश ने बिल्कुल मना कह दिया था, भाई ऐश को भी प्यार था मिस्टी से। सो गाइस, नेक्स्ट पोके गर्ल की बात करें तो वो आती है सिरेना। सिरेना और ऐश का बॉन्ड बहुत ज़्यादा था और सिरेना हमेशा जिम बैटल और लीग पोकेमॉन लीग के अंदर जितने भी बैटल्स थे उनके अंदर हमेशा वो मोटिवेट करती थी और ऐश को हिम्मत देती थी, और सिरेना और ऐश का जो कपल था वो काइंड ऑफ सबसे ज़्यादा फैन फेवरेट वाला था। सो गाइस, इन सारी चीज़ों की स्टार्टिंग हुई थी प्रोफेसर ओक के समर कैंप के अंदर। प्रोफेसर ओक के समर कैंप के अंदर सरीना भी आई थी और सरीना जंगल में खो गई थी और उसके ऊपर एक वाइल्ड पोकेमॉन ने भी अटैक किया था, फिर ऐश ने उसकी हेल्प की थी, पहले उसको फर्स्ट एड किया, उसके बाद ऐश ने उसको जंगल से भी बाहर निकाला था। इसकी वजह से सरीना उससे बहुत ज़्यादा लाइक करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और उसके बाद एक सबसे स्पेशल मोमेंट हुआ था कैलोस नाम के एक एपिसोड के अंदर, जिसके अंदर सरीना ने ऐश को किस भी किया था, जो काइंड ऑफ सबसे ज़्यादा फैन फेवरेट वाला एपिसोड है। तो भाई सरीना ने बहुत सारे हिंट दिए थे और भाई ऐश भी उसको काइंड ऑफ लाइक करता था। सो गाइस, नेक्स्ट पोके गर्ल की बात करते हैं, नेक्स्ट पोके गर्ल आती है डॉन।
डॉन भी ऐश को लाइक करती थी। एक एपिसोड के अंदर लायरा डॉन को पूछती है कि ऐश उसका बीएफ है, तो डॉन ने बोला था नहीं नहीं वो उसका बीएफ नहीं है। एंड गाइस डॉन का एक और फ्रेंड भी था जिसका नाम है कैनी, जो उसका बचपन का फ्रेंड भी है। और कैनी और डॉन का भी एक रिलेशन भी ऐसा दिखाया गया था एनिमे के अंदर। बट एक बार कैनी ने पूछा था कि क्या उसके साथ वो जर्नी कंटिन्यू करना चाहेगी ऐश को छोड़ के, बट डॉन ने मना कहा था कि वो उसने कहा था कि भाई मैं ऐश को सपोर्ट करना चाहती हूँ सिनोलिक के अंदर, इसलिए वो उसके साथ नहीं गई थी और ऐश के साथ रही थी। और इतने ज़्यादा मोमेंट्स नहीं थे डॉन के, बट हाँ फिर भी ऐश को लाइक करती थी डॉन। सो नेक्स्ट पोकेगर्ल की बात करें तो वो आती है लैटियस या फिर बियांका। अभी एक थियरी कि भाई लैटियस ने किस किया था या बियांका ने, बिकॉज जो लैटियस और लैटियस वाली मूवी थी उसके एंड के अंदर बियांका या फिर लैटियस ने ऐश को किस किया था, बट ये कंफर्म नहीं कि वो बियांका थी या फिर लैटियस, ये एक थियरी है। बट किस तो किया था, तो भाई ये एक और कपल मोमेंट था एनिमे के अंदर। नेक्स्ट पोकेगर्ल यहाँ पे आती है एनाबेल। ऐश इससे बैटल फ्रंटियर वाले टाइम पे मिला था और यार इसके पास एक बहुत शानदार सुपर पावर थी कि ये पोकेमोन को बिना बोले बस अपने मन से ही ऑर्डर दे सकती थी कुछ भी। और यार ये ऐश की तरह ही थी बिल्कुल, यानी कि इसको भी पोकेमोन से बहुत ही ज़्यादा प्यार था। हमको बैटल फ्रंटियर के टाइम पे साफ साफ दिखाया गया था कि इसको ऐश पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला क्रश था, इसको ऐश बहुत ज़्यादा पसंद था। हालांकि जैसे हम जानते हैं ऐश को तो भाई फ़र्क पड़ता नहीं किसी से भी, उसको कुछ भी आइडिया नहीं था इस बारे में। लेकिन हाँ एनाबेल को ऐश पे बहुत बड़ा वाला क्रश था। लेकिन हाँ ये तो भाई हम लोग इसको डेफिनेटली ट्रू लव नहीं बोल सकते क्योंकि ऐश इसको पसंद नहीं करता था, सिर्फ एनाबेल ही ऐश को पसंद करती थी। नेक्स्ट पोकेगर्ल यहाँ पे आती है मेसी। ये यार जोटो लीग के टाइम पे ऐश से मिली थी और पहले तो इसको ऐश पसंद नहीं था, लेकिन यार बाद में जब ऐश इसकी जान बचा लेता है तब से मेसी को बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है ऐश से और उसको ऐश बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाता है। और यहाँ तक कि वो ये भी बोलती है कि अगर जोटो लीग में मैं तुमसे बैटल जीत गई तो हम लोग साथ में एक डेट पर चलेंगे। लेकिन ऑब्वियसली जैसे हम जानते हैं ऐश को भाई कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, उसको मेसी कुछ भी पसंद नहीं थी, सिर्फ मेसी के साइड से ही प्यार था। और इसके अलावा यार ये डेट वगैरह वाली चीज़ भी कभी फिर पूरी हो नहीं पाई थी, तो हाँ यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही था यार, सिर्फ मेसी ऐश को पसंद करती थी, ऐश की तरफ से कुछ भी नहीं था। और यार इसमें एक और चीज़ थी, मिस्टी बहुत ज़्यादा जेलस हो रही थी इन सारे मोमेंट्स पे, जो कि देख के यार बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। नेक्स्ट पोकेगर्ल यहाँ पे आती है मेलिडी। ये ऑरेंज आइलैंड वाले टाइम पे ऐश से मिली थी, जहाँ पे जो लुगिया वाली मूवी थी वहाँ पे हमको देखने मिली थी। और जब ऐश उस आइलैंड पे आया था तब इसने ऐश को वेलकम भी किया था। इसका यार देखा जाए ना कुछ खास कंफर्म है नहीं कि इसको ऐश पसंद भी था या फिर नहीं, या फिर ऐसा लगता था कि ये सिर्फ जानबूझ के मिस्टी को जलाने के लिए ऐसा कर रही थी ऐश के साथ में। और ऐश भी यही कर रहा था, हमने काफ़ी जगह पे देखा था वो जानबूझ के इसको ढूंढ रहा था ताकि मिस्टी थोड़ा और जेलस हो। तो कह सकते हैं इसमें तो किसी के साइड से भी कुछ खास प्यार हमने देखा नहीं। नेक्स्ट पोकेगर्ल आती है लायरा। यार ये जोटो रीजन के गेम्स से तो सब लोग इसको जानते होंगे, ये सबसे पहली बार सिनो के एनिमे के अंदर अपीयर हुई थी। तो यार इसको भी ऐश बहुत ही ज़्यादा पसंद था, इसको ऐश की पर्सनालिटी बहुत पसंद थी कि ऐश कितना ज़्यादा ब्रेव है, कितना बहादुर है और पोकेमोन से कितना ज़्यादा प्यार करता है, ये सब इसको बहुत ज़्यादा पसंद था लायरा को। यहाँ तक कि वो चाहती थी कि उसका जो ट्रैवलिंग कंपेनियन है कोरी वो भी ऐश के जैसा ही बने, वो भी उसके जैसा ही एक्ट किया करे। यहाँ तक कि यार लायरा ने एक एपिसोड में डॉन से ऐसा भी पूछा था कि ऐश और वो एक कपल है या फिर नहीं है, लेकिन डॉन ने उसको बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। तो हाँ हमको पूरी सीरीज के अंदर जितना लायरा दिखाई गई हमको यही दिखाया गया कि उसको ऐश में काफ़ी इंटरेस्ट है, लेकिन वही चीज़ है भाई ऐश के साइड से ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ ट्रू लव नहीं था यार, सिर्फ एक ही साइड से था। नेक्स्ट यहाँ पे आती है मिएट। यार मिएट कालोस रीजन से है और ये सरीना की राइवल थी कालोस के अंदर। अब यार बैटल में तो ये राइवल थी, लेकिन ऐश की वजह से भी ये एक उसकी राइवल बन चुकी थी। मतलब इसने भी सरीना से बहुत बार ऐसा बताया था साफ साफ कि उसको भी ऐश पे बहुत बड़ा वाला क्रश है, मिएट ने भी खुद ऐसा बोला था। और तुमने देखा ही होगा कितने एपिसोड में बार बार यार वो कितनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी सरीना से छीन लेती है, वो ऐश के साथ कहीं ना कहीं चली जाती है बार बार। तो हाँ मिएट ने भी साफ साफ ऐसा कहा है कि उसको भी ऐश बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन हाँ ज़्यादातर ऐसा दिखाया जाता है कि ये बस सरीना को जलाने के लिए ऐसा करती है और सरीना को कभी कभी मोटिवेट करने के लिए ऐसा करती है। तो मतलब कह सकते हैं मिएट उतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है, लेकिन हाँ भले इसको ऐश पसंद है लेकिन ऐश के तरफ से इसमें भी भाई कुछ भी कभी हमने इंटरेस्ट देखा नहीं। यहाँ तक कि इसने एक बार ऐश से पूछा भी था कि अगर सरीना और मैं एक साथ एक कॉन्टेस्ट में रहेंगे तुम किसको सपोर्ट करोगे, और वहां पर ऐश ने सरीना को ही चुना था। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कोहारू यानी कि क्लोई के बारे में, तो उसके और ऐश के बीच में भी ऐसा कुछ नहीं था, उल्टा यार कोहारू को तो ऐसा लगता था कि ज़्यादा गो पसंद है क्योंकि वो दोनों बचपन से एकदम फ्रेंड्स हैं और लोगों को भी ज़्यादातर इन्हीं दोनों का कपल पसंद था, कोहारू का और गो का। तो हाँ ऐश और कोहारू के बीच में तो कुछ भी नहीं था, नॉर्मल फ्रेंडशिप कह सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे आती हैं अलोला की पोकेगर्ल्स। ये तीनों यार थी लिली, मेलो और लाना, और इन तीनों को ही हमने कभी ऐसा देखा नहीं कि इनको ऐश बहुत ज़्यादा पसंद हो, मतलब क्रश हो ऐश पे, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये भी बिल्कुल एक नॉर्मल फ्रेंडशिप हमको दिखाई गई थी, सबके बीच में बहुत ज़्यादा बढ़िया फ्रेंडशिप थी। बस लाना के साथ में एक बार ऐसा मूवमेंट हुआ था जहाँ पे उसकी छोटी बहन ऐश को उसका बॉयफ्रेंड समझ लेती है, लेकिन ऑब्वियसली हम जानते हैं ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है।
तो हाँ, अब हमने सबके बारे में सुन लिया है, तो यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन दूँ, मेरे अकॉर्डिंग तो सरीना ऐश का ट्रू लव है और इन दोनों का कपल जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग तो। और शायद हो सके अगर हमको फ्यूचर में कभी देखने मिलेगा ऐश का फ्यूचर जहाँ पे इसकी किसी के साथ शादी होगी, तो मेरे अकॉर्डिंग वो सरीना ही रहेगी। यहाँ तक कि पोकेमॉन XYZ के डायरेक्टर ने भी खुद ऐसा कहा है कि कभी ना कभी फ्यूचर में वो हमको इनको एक कपल की तरह दिखाएंगे। तो हाँ, मेरा ओपिनियन तो यही है कि सरीना ऐश का ट्रू लव है। बाकी ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, तुम लोग अपना ओपिनियन कॉमेंट के अंदर दे सकते हो। और बाकी यहाँ पे हमारे साथ जो फैंसी पोके स्टार है उसका ओपिनियन भी तुम सुन लो। सो गाइज, अब आगे ओपिनियन टाइम। तो मेरा ओपिनियन है कि भाई ऐश और मिस्टी का जो कपल था वो काइंड ऑफ सबसे बेस्ट कपल था। मेरा फेवरेट कपल था ऐश और मिस्टी का कपल। जिनको पता ना हो तो भाई ऐश और मिस्टी की शादी भी होने वाली थी जो एंटे वाली मूवी थी उसके अंदर, बट फिर एंड में चेंज कर दिया गया। बट फिर भी भाई शादी होने वाली तो ये काइंड ऑफ सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी मोमेंट भी है। तो भाई मेरे फेवरेट तो ऐश और मिस्टी है। आप अपना ओपिनियन कमेंट में बताओ।